नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तुला राशि वालों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि प्रभु महाबली के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रे करते हैं भगवान आपको ढेर सारी तरक्की दे, ताकि तुला राशि वालों आप अपने जीवन में दिन दोगुने रात सौगुनी तरक्की करें। तुला राशि वालों, आपकी किस्मत एक नया रूप दिखाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में आपकी तरक्की देखकर आस पड़ोस के सब लोग कहेंगे, अरे वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसी होनी चाहिए, जो कि दोस्तों पूरे मोहल्ले में और जिंदगी में हड़कंप मचा दे। जी हाँ तुला राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत और भाग्य साथ देता हुआ देखकर आस पड़ोस के सब लोग आपसे जलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा अब आप सभी के जीवन काल में पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य अब आपके सातवें आसमान में कदम रखेगी और आस पड़ोस के सब लोग देखकर आश्चर्य होंगे कि आखिर इसने किया कैसे। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह सभी चीजें पिछले किए गए आपके अच्छे कर्मों का फल है, जो कि दोस्तों आप सभी को बता दें भगवान माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कुंडली का लेखा जोखा पूरी तरह से अब आपके बदलने वाले हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे तो आपका दोस्तों जो है किस्मत ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जिन्हें अगर आप समय रहते देख लेंगे, समय रहते इन अवसरों का पहचान कर लेंगे, तो दोस्तों आपका भाग्य अपने आप ही बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी विशेष सावधानियां हैं, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्य करने से धन लाभ की प्राप्ति होगी और आपके व्यापार व्यवसाय करियर बिजनेस, आपके पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, आपके निजी जीवन में, सभी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तुला राशि वालों, इस बात की गारंटी है कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी और आज की इस वीडियो में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो जानकारी आपको मिलेगा, यह आप अपने जीवन में अच्छे से समझ लेंगे, तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले जितने भी माता रानी के भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और सच्चे हृदय से कमेंट सेक्शन में लिखें जय माता दी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल ज्ञान से। जीवन में हर किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और अगर एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती है और खुशियां चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती है। दोस्तों ये चार दिन की जिंदगी है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए तुला राशि वालों बात करते हैं। तुला राशि वालों, आज आपको कोई पैतृक संपत्ति संबंधित सूचना सुनने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तुला राशि वालों कार्य क्षेत्र में यदि किसी वाद विवाद की स्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना होगा, नहीं तो तुला राशि वालों आपके आपसी रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपकी गलती को माफ कर सकते हैं और आवेश में आकर कोई भी निर्णय अभी आपको नहीं लेनी है, नहीं तो तुला राशि वालों बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा। आपको आज निवेश संबंधित योजना में भी धन लगाना बेहतर रहेगा। अगर आप धन के निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो तुला राशि वालों दिल खोल कर निवेश कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ होगा।
लेकिन तुला राशि वालों, आपको अपने मन में चल रहे विचारों को जानना व समझना अति आवश्यक है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए कुछ जो है समस्याएं लेकर आएगा, जिनके समाधान के लिए उन्हें कुछ अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करनी होगी, तभी उनका समस्या का समाधान मिलेगा। और आप धर्म कर्म के कार्यों में भी पूरी आस्था दिखाएंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको अपने पद व प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का बल नहीं दिखाना है। जितना हो सके आपको अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम लेना है, तो देखिए दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। यदि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है तो वह उसमें काफी हद तक सुधार भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस समय जो है गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक कीजिएगा और ट्रैफिक नियमों का भी पालन अवश्य कीजिएगा, यही आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बताना चाहेंगे आज आप आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दिन की शुरुआत कुछ मजेदार रहेगी, फिर भी आप अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे पिताजी, आज आपको कोई पैरों से दर्द अथवा ब्लड प्रेशर आदि की समस्या भी इस समय हो सकती है। माता पिता का आपको अधिक से अधिक ख्याल रखना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला समय रहेगा। आपको अपने किए गए काम में जो है लापरवाही करने से अभी बचना होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह सितारे संकेत दे रहे हैं कि आप अगर लापरवाही करेंगे, आलस्य करेंगे, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कोई अवसर, कोई काम है तो उनको उसी समय के लिए करने की कोशिश करें, क्योंकि वह काम उसी समय के लिए होता है। अगर आप सोचेंगे उसे बाद में करेंगे तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में रह सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। यदि आप शेयर बाजार अथवा सट्टेबाजी में धन का निवेश करते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आप दिल खोलकर निवेश भी कर सकते हैं। आज परिवार के किसी सदस्य के विवाह की तैयारी में आज व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको उनके साथ साथ अपने जो है आवश्यक कार्य की भी ध्यान देना होगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय कर रहे लोग अपना भरोसा दूसरों पर बनाने में कामयाब रहेंगे, जिसका वह लाभ भी उठाएंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों ग्रह सितारे कहते हैं कि अपनी पर्सनल जो बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, एक दूसरे के साथ शेयर अभी आप ना करें, अन्यथा कोई विरोधी इनका गलत फायदा उठा सकता है। कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा लाभ की स्थिति बन रही है और कामों में दबदबा आपका बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी लोगों से अच्छी दोस्ती, अच्छी पहचान बनेगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी करियर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज अपने किसी साथी से कड़वा बोलना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। वह आपको बताना चाहेंगे, उनके खिलाफ भी हो सकता है, और आपका कोई लक्ष्य पूरा न होने से आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा, लेकिन आपको जो है अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है, अच्छे से शांति दिमाग से आपको कार्य करना है, आपको लाभ होगा। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे लोग अच्छा धन कमाने के कामयाब रहेंगे, लेकिन दोस्तों अभी आपको एक दूसरे पर दिल खोल कर भरोसा करने से बचना होगा। भरोसा करिए, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए, अन्यथा आपके लिए परेशानी बाद में ना हो जाए, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों खास उपाय की अगर बात करें तो सुबह सुबह भगवान गणेश जी की आराधना भी जरूर करें। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी को एक बार याद करें और श्री गणेश मंत्र का भी जाप आपको जो है हर काम में सफलता दिला सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपको लाख प्रयासों के बावजूद, लाख मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी है और जो परेशानियां हैं उनसे आपको कहनी है।